हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, महाराजा यशवंत राव हॉस्पिटल इंदौर। डॉक्टर, मोटापे का हृदय रोग से क्या संबंध है? जैसा हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में मोटापा एक प्रमुख समस्या है। मोटापा या ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें हार्ट डिजीज एक प्रमुख बीमारी है। इसकी वजह से मरीज को हाइपरटेंशन होना, हार्ट अटैक आना, ये समस्या रहती है। हमें इससे बचने के लिए अपने वजन से कंट्रोल करना चाहिए और फैटी फूड जो है या वसा वाले जो भोजन है उनको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर, डिसलिपिडेमिया का हृदय रोग से क्या संबंध है? ऐसा देखा गया है कि हमारे ब्लड में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो हमारी खून की नलियों में लंबे समय में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है, जिससे मरीज को सीने में दर्द होना, हार्ट का अटैक आना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बचने के लिए हमें अपने भोजन में जो फैटी फूड्स होते हैं या जंक फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जो हम अपनी रेगुलर डाइट लेते हैं उसमें हमें फ्रूट, हरी सब्जियां, इन सबकी मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए। डॉक्टर, हाइपरटेंशन का हृदय रोग से क्या संबंध है? ऐसा देखा गया है कि जिन मरीजों में हाइपरटेंशन लंबे समय तक रहता है उनमें हार्ट फेल होने का, हार्ट अटैक आने का, या फिर किडनी की खराबी होने का खतरा रहता है। हाइपरटेंशन से बचने के लिए हमें संतुलित भोजन, रेगुलर एक्सरसाइज और अपनी लाइफ में स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। एक बार हाइपरटेंशन अगर डायग्नोज हो जाता है तो हमें डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करना चाहिए और टाइम से अपनी मेडिकेशन लेना चाहिए। Manage your health with a smile on your face and peace in your heart.